हाय फ्रेंड, आप स्टार्टिंग में जिस तरह नवरात्रि का स्टेटस देखा है, इस तरह स्टेटस आप भी अपना फ़ोटो के साथ बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जाके आप काइन मास्टर को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद ये प्लस वाले आइकन दिख रहा है, इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर जाके 9x16 रेशियो को ले लीजिएगा। लेने के बाद एक बैकग्राउंड टेम्पलेट ले लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं जाके इस बैकग्राउंड टेम्पलेट को ले लेता हूँ। तो इस बैकग्राउंड टेम्पलेट को ले लीजिएगा। लेने के बाद टिक पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर स्टार्टिंग में आ जाइएगा। आने के बाद इस बैकग्राउंड टेम्पलेट पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर स्केची पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद उसको थोड़ा सही से कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद फिर टिक पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर इस लेयर पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर मीडिया पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर जाके आप जिस फ़ोटो से बनाना चाहते हो उस फोटो को जाके ले लीजिएगा। तो मैं जाके फ़ोटो को ले लेता हूँ। तो इससे आप भी अपना फ़ोटो को ले लीजिएगा। लेने के बाद साइज़ को इसे बड़ा कर लीजिएगा। करने के बाद नीचे इसे लगा लीजिएगा। लगाने के बाद उसका लेयर भी अपने वीडियो के हिसाब से कर दीजिएगा। फिर स्टार्टिंग में आ जाइएगा। आने के बाद इस लेयर पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर मीडिया पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर जाके और एक ब्लैक स्क्रीन वाले टेम्पलेट ले लेना, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं जाके इस ब्लैक स्क्रीन वाले टेम्पलेट को ले लेता हूँ। तो इस ब्लैक स्क्रीन वाले टेम्पलेट को ले लीजिएगा। लेने के बाद साइज़ को इसे बड़ा कर लीजिएगा। करने के बाद साइड में इसे लगा लीजिएगा। लगाने के बाद जाइएगा ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग में जाके उसको स्क्रीन कर दीजिएगा, फिर टिक पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर इस लेयर पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर मीडिया पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर जाके एक कलरफुल वाले टेम्पलेट ले लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं जाके इस कलरफुल वाले टेम्पलेट को ले लेता हूँ। तो इस कलरफुल वाले टेम्पलेट को ले लीजिएगा। लेने के बाद इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर साइड वाली बॉक्स पे क्लिक करके उसका साइज़ फुल कर दीजिएगा, फिर टिक पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर इस कलरफुल वाले टेम्पलेट पे क्लिक करके इस वाली आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर ऑडियो को म्यूट कर लीजिएगा। करने के बाद फिर टिक पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर इस कलरफुल वाले टेम्पलेट पे क्लिक करके जाइएगा ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग में जाके उसको स्क्रीन कर दीजिएगा, फिर टिक पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर इस लेयर पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर उबालने में क्लिक कर दीजिएगा। फिर जाके इस वाले स्मोक इफेक्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वाले स्मोक इफेक्ट को डाउनलोड कर लेने के बाद इस वाले स्मोक इफेक्ट को ले लीजिएगा। लेने के बाद टिक पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद साइज़ को इसे बड़ा कर लीजिएगा। करने के बाद नीचे इसे लगा लीजिएगा। लगाने के बाद उसका लेयर भी अपने वीडियो के हिसाब से कर दीजिएगा। फिर स्टार्टिंग में आ जाइएगा। आने के बाद इस लेयर पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर मीडिया पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर जाके एक बॉर्डर वाली पेंजी ले लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं जाके इस बॉर्डर वाली पेंजी को ले लेता हूँ। तो इस बॉर्डर वाली पेंजी को ले लीजिएगा। लेने के बाद इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर साइड वाली बॉक्स पे क्लिक करके उसका साइज फुल कर दीजिएगा, फिर टिक पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर उसका लेयर भी अपने वीडियो के हिसाब से कर दीजिएगा। फिर स्टार्टिंग में आ जाइएगा। तो इस टेम्पलेट में ऑडियो लगा हुआ है तो आप उसको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो इस ऑडियो पे क्लिक करके आप ऑडियो को लगा लीजिएगा। तो वीडियो बनकर तैयार हो गया। मैं वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए इस वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।